श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी एंड श्री राहुल गांधी जी हैव डिजायर्ड दैट दे वुड लाइक टू मेक अ स्टेटमेंट. श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी. राहुल गांधी जी, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा, पीसीसी प्रेसिडेंट और ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी वेणुगोपाल जी, इस मंच पर बैठे हुए मेरे दोस्तों और मीडिया के मेरे सभी भाइयों और बहनों, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूं क्योंकि अभी हम कार्यकर्ता का मीटिंग करके यहां पर आए हैं. फिर कोई भी मीटिंग मीडिया के दर्शन के बगैर पूरी नहीं होती, इसीलिए हम ये बताना चाहते हैं कि हम और राहुल गांधी जी जो पहली दौरे की मीटिंग यहाँ पर जो रखी है, आने वाले चुनाव में किस तरीके से हमारे कार्यकर्ता लड़ना चाहिए और उनके क्या विचार है, उनको पूछ के आगे कदम हमको रखना है. और जो गठबंधन भी होगा तो कैसा होगा, उसके लिए भी हमारे जो लोकल लीडर्स हैं वो जो सलाह देंगे उस पर हम काम कर रहे हैं और हमारे लोग उसमें कामयाब होंगे. और राहुल जी इंटरेस्टेड है कि जम्मू कश्मीर में हम सभी एक होके लड़े, इवन अपोजिशन को भी साथ लेकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं और इसमें कामयाबी भी हमको हासिल हुई है. जब इंडिया गठबंधन हमने बनाया है तो राहुल जी ने सभी नेताओं को बुला बुला कर बात किया और हमने उसका रिजल्ट भी देखा. और आप सबको मालूम है कि इंडिया गठबंधन एक डिक्टेटर को सत्ता में संपूर्ण बहुमत से आने में रोका, यही बहुत बड़ी कामयाबी इंडिया गठबंधन की है. और आज वो परेशान है और इसीलिए तो आप देखे होंगे दो तीन कानून जो वो पास कर लेना चाहते थे, उसको जब अपोजिशन आया तो उन्होंने वापस लिया या तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा. एक तो आपको मालूम है वक्फ बोर्ड का, वो अमेंडमेंट के लिए सभी ने जब डट के उसको विरोध किया तो तब वो इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को गया और इसको पहली आवाज उठाने वाले राहुल गांधी जी. सेकेंड, लैटरल एंट्री, यानी सब कुछ उनके हाथ में इससे पहले भी करते हुए आए थे क्योंकि उनको ब्रूट मेजॉरिटी आपने दी थी, यानी देश के लोगों ने उस ब्रूट मेजॉरिटी का फायदा उठाकर उन्होंने बहुत कुछ गलत कामें की. किसानों के खिलाफ 3 कानून, मजदूरों के खिलाफ 4 कानून, हर एक कानून को जो लोगों को जिसका फायदा नहीं होता उन कानून को उन्होंने पास कर लिया, स्टैंडिंग कमेटी में नहीं भेजा, पार्लियामेंट्री ज्वाइंट कमेटी को नहीं भेजा, किसको भी नहीं, वो तो उन्होंने काम किया. और यहाँ तक जो वायदे
जम्मू कश्मीर के लिए उन्होंने इलेक्शन से पहले किए थे, उस वो एक वायदे भी उन्होंने पूरे नहीं किए। सारे जुमले सच्ची भी वो जुमले खुद ही बोले कि होम मिनिस्टर उनके शाह ने बोला कि भाई 2 करोड़ नौकरियां देना और जो किसानों के लिए MSP देना और 15 लाख रुपए काला धन बाहर से लाके हर एक के जेब में डालेंगे, ये सब जुमले थे उन्होंने ही बोला। अब जुमले यहाँ भी जुमले बोल के गए हैं, इसीलिए हमारी पार्टी तय की, राहुल जी के नेतृत्व में हमने ये कदम उठाया है कि कश्मीर को स्टेटहुड हम दिलाएंगे। हम उसके लिए स्टेटहुड के लिए पूरा वायदा करते हैं कि हम काम करेंगे। और ये जो उन्होंने जैसा अभी राहुल जी ने बताया था उधर कि आज तक संविधान में जो भी यूटीज हुए हैं वो यूटीज से स्टेटहुड बना है, स्टेट्स बने हैं, लेकिन स्टेट से यूटी नहीं बना। इन्होंने जम्मू कश्मीर स्टेट था, इसको उन्होंने यूनियन टेरिटरी बनाया और बना के किसी को कोई हक नहीं। उन्होंने ये आज यहाँ काउंसिल नहीं है, असेंबली नहीं है, पंचायत नहीं है, म्युनिसिपालिटी नहीं है। लोग इतने दिन से जो जहाँ जमहूरियत होती है उस जमहूरियत को हिफाजत करने के बजाय इन्होंने तोड़ना सीखा और आज तक इलेक्शन नहीं हुआ। वो अब इलेक्शन अनाउंस किए हैं, वो इसलिए किए हैं कि सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन था कि 30 दिसंबर सितंबर के अंदर आप चुनाव कराना चाहिए, तब इनके आंखें खुले और आज वो लोग अनाउंस करके लोग चुनाव के तरफ चले हैं। लेकिन एक बात बताना चाहता हूं, आप लाख कोशिश करो बीजेपी वाले या मोदी साहब, आप कभी इसमें सक्सेस होने वाले नहीं है और लोगों को दबा के नहीं रख सकते, उनके वॉइस को भी नहीं दबा सकते। और जमहूरत में आवाज जो होती है वो लोगों की होती है और लोगों के आवाज को हम बराबर साथ देंगे और लोगों के साथ रहेंगे। और जम्मू कश्मीर के लोगों की जो आशाएं हैं, आकांक्षाएं जो है, उसके साथ हम कंधे को कंधा लगाकर लड़ेंगे, ये हमारा वायदा है। इसीलिए ये बात बताने के लिए हम आपके पास आए हैं। और खासकर जो भी यहाँ पर के जन जंगल जमीन की बात है वो सब के लिए हम लड़ना चाहते हैं और वो लोग सभी चीज़ें आपसे छीनना चाहते हैं, अब हम छीनने नहीं देंगे, हम आपके साथ खड़े होंगे। अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ रहा है, लाखों वैकेंसीज यहाँ स्टेट में खाली है, वो वैकेंसीज नहीं भर रहे। जो भरे हुए वैकेंसीज है उनको टेम्पररी कर रहे हैं, डेली बेसिस कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कर रहे हैं। तो ऐसी सियासत यहाँ चल रही है, ऐसा पॉलिटिक्स मोदी जी ने यहाँ पर शुरू किया, लोग देखते हैं और सहन करते हैं। एक बार दो बार अगर ज्यादा किसी चीज की ज्यादती हुई तो लोग उठ खड़े होते हैं। तो मैं इतना ही करूँगा कि आज जो हम लोग हर जगह जो जा रहे हैं, अब इस इलेक्शन में भी हम पहले जम्मू कश्मीर में, फिर उसके बाद हरियाणा में, उसके बाद महाराष्ट्र में और झारखंड में, हर जगह राहुल गांधी जी पहले जाना चाहते हैं, पहुंचना चाहते हैं और पार्टी के विचार को
रखना चाहते हैं। तो इसीलिए अगर हमारी सरकार आएगी, हम जॉब क्रिएशन का काम करेंगे, इन्वेस्टमेंट लाने की पूरी कोशिश करेंगे और हॉर्टिकल्चर, टूरिज्म और जो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उसको बचाने की पूरी कोशिश हम करेंगे। और जो ये हमारी धर्मनिरपेक्ष ताकतों को मिलकर आज हम यहाँ फिर से शांति बहाल करने का काम करेंगे, और मैं इसके लिए मैं राहुल जी से भी विनती करूंगा, वो अपनी बात को यहाँ पर रखेंगे। और हम यही चाहते हैं कि यहाँ पर शांति, समृद्धि, सुख, ये सारी चीज़ें फिर से बहाल हो जाएं जम्मू कश्मीर में। और आज जो बॉर्डर पे फिर घुसपैठी चल रही है, टेररिज्म चल रहा है, और वो कहते थे पहले कि अगर 370 ख़त्म हुआ तो टेररिज्म जाएगा, वो जाएगा, ये जाएगा, खुशहाली आएगी। कहाँ खुशहाली है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, बेरोजगारी तो बढ़ रही है, उसके साथ साथ प्राइस राइज हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, और इनके अत्याचार भी देश में बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि ठीक ढंग से यहाँ पर अपनी एडमिनिस्ट्रेशन लाने के लिए हमारी पार्टी पूरी कोशिश करेंगे और हम आपके साथ हैं। इन द कांग्रेस पार्टी एंड ऑल्सो इन द इंडिया गठबंधन टू रिस्टोर स्टेटहुड टू जम्मू एंड कश्मीर एज सून एज पॉसिबल। वी हैड एक्सपेक्टेड दैट दिस वुड बी डन प्रायर टू द इलेक्शंस, बट ओके, इलेक्शंस हैव बीन डिक्लेयर्ड, इट इज़ अ स्टेप फॉरवर्ड एंड वी आर होपिंग दैट स्टेटहुड वुड बी रिस्टोर्ड एज सून एज पॉसिबल एंड द राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, democratic rights will be restored to them. I said earlier in the meeting that this is the first time since independence that a state has become union territories. This has never happened before. Union territories have become states, but it's the first time that a state has become union territory. So we are very clear in our national manifesto as well that it is a priority for us that the people of Jammu and Kashmir and Ladakh get their democratic rights back. It's always a pleasure for me to come here. I have a very deep relationship with the people of Jammu and Kashmir. And my message to the people of Jammu and Kashmir is, however we can help you, the Congress Party is always there. We understand that you're going through a very difficult period, a tough period, and we want to remove violence. जैसे मैंने भारत जोड़ो यात्रा में कहा था, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान हम खोलना चाहते हैं, इज्जत से, रिस्पेक्ट से, भाईचारे के साथ। थैंक यू वेरी मच। राहुल जी, जैसे क्वेश्चन, एक दो बातें आपसे। इट्स अफजल बट फ्रॉम यहां, दिस साइड। आई डोंट बिलीव वी आर टेकिंग क्वेश्चंस, वी आर जस्ट making two statements here. Thank you. They are bad. Thank you very much. सब पत्रकारों का आप बहुत धन्यवाद करते हैं, आपने बहुत कोऑपरेट किया। Thank you so much.